स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोलग्राज स्टूडियोज के फ्रेश एंड न्यू वीडियो में, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई न्यू स्टार आता है तो अपनी डेब्यू फिल्म से इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाता और ना ही बड़ी फिल्मों में काम करने का इन न्यू एक्टर्स को मौका मिल पाता है। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार सालों में एक बार जन्म लेते हैं जो अपनी डेब्यू फिल्म्स में ही इतना बड़ा धमाल परफॉर्मेंस देते हैं अपनी अदाओं से फैंस के बीच में, साथ ही अपनी ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो कि उन्हें उनकी पहली फिल्म के बाद से ही सुपरस्टार बना देती है। बॉलीवुड में ऐसा ही कुछ देखा गया था जब आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से डेब्यू किया था। लेकिन आज बॉलीवुड से कई ज्यादा आगे साउथ फिल्म इंडस्ट्री निकल चुकी है। जब से साउथ इंडस्ट्री ने अपनी फिल्मों को पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स के तौर पर रिलीज करना शुरू किया है, तभी से कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में हिंदी ऑडियंस को देखने को मिली है, जिसके बाद बॉलीवुड का क्रेज लोगों के बीच में काफी कम हो गया है। पैन इंडिया फिल्मों की बात करें तो कई सारी सुपरहिट फिल्में लाइनअप है, लेकिन इन सभी टॉप फिल्मों में सबसे पहला नाम शामिल होता है KGF 2 का, और उसमें अपनी धमाकेदार एक्टिंग और अपने पहले ही डेब्यू से ऑडियंस के दिल में जगह बनाने वाली सुपरस्टार श्रीनिधि शेट्टी आज अपनी डेब्यू फिल्म से ही काफी पॉपुलर हो चुकी है ये। जी हाँ दोस्तों, श्रीनिधि शेट्टी की KGF डेब्यू फिल्म थी और उनकी एक्टिंग और अदाओं से लगा ही नहीं कि ये उनकी पहली फिल्म होगी। KGF के फर्स्ट चैप्टर में तो कैमरे का ज्यादातर फोकस रॉकी भाई के ऊपर था और उनकी ही लाइफ के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया था, लेकिन श्रीनिधि की स्क्रीन टाइमिंग जितनी भी थी और उनके जितने भी डायलॉग्स थे वो काफी ज्यादा सुपरहिट हुए, इसलिए रॉकी भाई के साथ साथ श्रीनिधि शेट्टी को भी लोग अभी तक याद कर रहे हैं। उनका सेकंड सीक्वल जल्दी रिलीज होने वाला है। KGF के सीक्वल में श्रीनिधि शेट्टी भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हुए नजर आएंगी। KGF चैप्टर 2 के टीजर में साफ नजर आ रहा था कि श्रीनिधि शेट्टी का रोल भी काफी अहम और काफी बोल्ड होने वाला है। उनकी एक्टिंग और उनके एक्सप्रेशंस टीजर में काफी ज्यादा इंटेंस नजर आ रहे थे। KGF के सेकंड चैप्टर में फिल्म के सभी मेन कैरेक्टर्स पर कैमरा का इक्वल फोकस रहेगा और उनकी ऑन स्क्रीन टाइमिंग भी बराबर की होगी। हर एक किरदार एक दूसरे से कोरिलेट करता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से KGF का सेकंड सीक्वल काफी ज्यादा सस्पेंस से घिरा हुआ है। फिल्म में भर भर के थ्रिल ऐड किया गया है। जहाँ श्रीनिधि शेट्टी इम्पोर्टेंट रोल में है, वहीं रमिका सेन का किरदार निभा रही रवीना टंडन भी फिल्म में बहुत ही अहम किरदार निभाते हुए नजर आने वाली है। फिल्म के फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में हमने देखा था कि रमिका सेन जो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है वो सबसे बड़े राक्षस को मारने का डेथ वारंट जारी करती है। वहीं फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि रमिका सेन इलेक्शन के लिए ही खड़ी हुई है। इलेक्शन में मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर कैसा रहेगा, फिल्म में कैसे ट्विस्ट आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। वहीं सभी तरह से अनजान दुबई का शेख इनायत खलील, जिसका किरदार साउथ बेस्ड एक्टर बालकृष्ण निभाने वाले हैं, उन्हें भी उनका एक आदमी आकर बताता है कि गरुड़ा की मौत हो गई है। रॉकी भाई ने गरुड़ा को मार दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुबई का शेख, जिसे मुंबई में अपना माल स्मगल करना था, उन्हें भी कहीं ना कहीं KGF की जानकारी है। तो क्या वो भी मुंबई पर टिके रहेगा या फिर KGF पर हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा। और फिल्म के वो तीन पार्टनर जिन्होंने हाथ पैर मार के इतनी मेहनत करके गरुड़ा को मरवाया, आखिर में उनके हाथ में सत्ता रहेगी या फिर इतनी मेहनत के बाद वो सब कुछ खो देंगे। इस बार फिल्म का हर एक किरदार फिल्म में बहुत अहम भूमिका निभाता है और हर एक किरदार दूसरे किरदार से जुड़ा हुआ है, इसलिए फिल्म की स्क्रीन टाइमिंग हर एक किरदार को इक्वली देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। फिल्म का हर कैरेक्टर सस्पेंस थ्रिल से भरा हुआ है। देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलर होगा कि आखिर कौन KGF पर राज करता है और आखिर रमिका सेन का राज क्या है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, फिल्म को लेकर जितना सस्पेंस बनाया जा रहा है, क्या फिल्म उतनी बड़ी सुपरहिट होने वाली है? क्या लगता है आपको रमिका सेन के रोल के बारे में, आखिर क्या करेगा इनायत खलील? दोस्तों, अपने व्यूज हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बोलग्राज स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब करें।